वड्डी खबर गुराया नेड़ले पिंड रुड़की तो है जिथे की घर दे बाहर खेड रही बच्ची नू अगवा करके कतल करन दा मामला सामने आया है। मृतक बच्ची दे पिता ने दसिया कि उसकी 11 साल बच्ची दोपहर 3 बजे दे करीब गली विच बच्चिया नाल खेड रही सी कि अचानक लापता हो गई। काफ़ी भाल कीते जान ते भी बच्ची का कुछ भी पता ना लगन ते गुराया पुलिस नू बच्ची दे लापता होण बारे सूचित किया गया। इस तो बाद पुलिस ने नेड़े तेड़े दे घरां दी तलाशी लई तां गली विच ही रह रहे गुरप्रीत सिंह गोपी दे घरों बच्ची बरामद हुई जिसनू बोरियां थले लुकोया होया सी। बच्ची दे सिर उपर सट दे निशान सन ते कोल ही एक हथौड़ा भी पिया होया सी। बेहोशी दी हालत विच बच्ची नू सिविल हस्पताल फगवाड़ा लिया गया परंतु रस्ते विच ही बच्ची ने दम तोड़ दिता। इस संबंधी SHO थाना गुराया हरदीप सिंह ने दस्या कि मुढ़ली जांच विच पता लगा है कि गुआंढ विच रह रहे गुरप्रीत सिंह गोपी ने ही बच्ची नू अगवा करके उस उपर हथौड़े नाल वार किए हैं जिस नू पुलिस ने काबू कर लिया है। मौत की असलियत का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो बाद ही लगेगा। सानू इनफॉर्मेशन आई थी 4:15 बजे ना रुड़की पिंड 12-13 साल की लड़की है मतलब घरों कहते गई तो कहते वापस नहीं मुड़ी तो नहीं पता कितने गई है तो वो इनफॉर्मेशन आई थी जी तो चौकी चार्ज में मैं भेजा से उसके मौके पर जाके देखो की सिचुएशन है जो मतलब भाल कर रहे जी लड़की की डेड बॉडी मिली है उत्थे लागे गुआंढ ही घर आ गोपी गोपी का तो जो भी है जाके सिचुएशन जिदा जो भी सामने आऊगी वो मुताबिक जी कार्रवाई की जाए वो मारी तो की लड़की के कोई सट्टा चोटा देसी या किदा हो रहा लगिया उन्हें मत्थे ते निशान है बाकी ये पोस्टमार्टम करावांगे जो भी सामने आऊगा वो बच्चे की उम्र कितनी है सर अच्छी 12-13 साल।